हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू श्वेता यादव ट्यूटोरियल्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट बेल आईकॉन फॉर मोर अपडेट्स लास्ट वीडियो में हमने ऊ जेनेसिस के बारे में पढ़ा इस वीडियो में हम ऊ जेनेसिस के साथ साथ कैसे फॉलिकुलर सेल्स की लेयर बनती है फॉलिकुलर जेनेसिस होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे तो पहले हम एनसीआरटी की लाइन्स रीड कर लेते हैं कि एनसीआरटी की लाइन्स क्या कह रही हैं हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया है कि प्राइमरी ऊसाइट सेकेंडरी ऊसाइट में कन्वर्ट होता है और सेकेंडरी ऊसाइट डेफिनेटिव उम में कन्वर्ट हो जाता है और जो सेल डिविजन है वो मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है गैमिट्स को बनाने के लिए पैरली पोलर बॉडीज भी बनती हैं ये बात भी हमने कर ली थी सो हियर ईच प्राइमरी फॉलिकल और साइट गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी उस साइट के ऊपर जो ग्रैनुलोसा सेल की लेयर होती है तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्राइमोडियल फॉलिकल A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. Therefore, at puberty only sixty thousand to eighty thousand primary follicles are left in each ovary. Both important question hai. कि ओवेरी में ओवम की मल्टीप्लीकेशन हो जाती है वो एक फ़ेज में आके ओवम अरेस्ट हो जाते हैं एक डिवीजन फेज़ में आके और अरेस्ट होने के बाद ये फेज बहुत लंबे समय तक अरेस्टेड रहता है और रिज्यूम होता है जब एक बच्ची प्यूबेरिटी पे आती है लाखों की संख्या में ओवम बनते हैं बट जैसे ही प्यूबेरिटी आती है तब तक आते आते बहुत सारे ओवम डी हो जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं और कितने बचते हैं सिक्सटी टू एटी थाउजेंड बचते हैं यानी कि सिक्सटी टू एट्टी थाउजेंड प्राइमरी फॉलिकल्स ओवेरी में प्रेजेंट होते हैं प्यूबेरिटी में द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट प्राइमरीउंडेड बाई एंड आर कॉल्ड अ सेकेंडरी फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ लेनोसा सेल्स यानी कि प्राइमरी जो फॉलिकल है उसके ऊपर क्या आ गई ग्रेन्युलसा सेल्स की लेयर और आ गई इसी के साथ साथ थीका सेल्स की लेयर आ गई तो जब प्राइमरी फॉलिकल में सेल्स की मल्टीलेयर हो जाए थीका सेल्स की मल्टीलेयर हो जाए तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल क्या बोलेंगे उसको सेकेंडरी फॉलिकल ये स्टेजेस हम पढ़ चुके हैं दी सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इन टू अ टर्सरी फॉलिकल विच कैरेक्टराइज बायुड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसमें कैविटी बन जाती है उस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इन टू एन एंड इनर थीका दैट इज इंटरना एंड आउटर थीका का एक्सटर्ना थीका इंटरना थीका का एक्सटर्नल ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete its first meiotic division. It is an unequal division resulting in the formation of large haploid secondary oocyte and a tiny polar body. The secondary oocyte retains bulk of this nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte can you think of any advantage for this does the first polar body born out of first meiotic division divide further or degenerate at present we are not very certain about this the tertiary follicle further changes into the mature follicle or the graphene follicle the secondary oocyte form a new अब इनको ही हम ड्रॉ करके देखेंगे कि किस तरीके से फॉलिकुलरजिस होता है और किस तरीके से ओवम जो है फॉलिकुलर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है तो सबसे पहले यहाँ पे आता है प्राइमोडियल प्राइमोडियल फॉलिकल तो यहां पे हमने बनाया है दिस इज अ प्राइमरी ओसाइट हम प्राइमरी ओसाइट की कंडीशन से ही स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमरी ओसाइट प्राइमरी ओसाइट अब ये जो प्राइमरी ओसाइट है शुरुआत में जब ये अपने डेवलपिंग स्टेज में यानी कि मल्टीप्लिकेशन स्टेट में होता है इसके ऊपर फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स की लेयर होती है ये फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स की लेयर इस पे प्रेजेंट होती है तो यहां आप मेंशन कर देते हैं फ्लैटेंट फ्लैट फॉलिक्यूलर सेल ट इज प्राइमोरियलिकलियल फॉलिकल है प्राइमरी उराउंडेड बाय अ फ्लैट फॉलिकुलर सेल इनको हम ग्रेनोसा भी बोल सकते हैं इनको हम स्ट्रोम सेल्स भी बोलते हैं बट ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम इनको फॉलिकुलर सेल या ग्रैन्युलसा सेल्स बोलें तो यहाँ पे पहली बार जब हम प्राइमोडियल फॉलिकल यूज करते हैं तो यहाँ पर मैंने फॉलिकुलर सेल वर्ड यूज किया है इसके बाद में मैं इनको ग्रैन्युलोसा सेल्स ही बोलूँगी तो द सेकेंड स्टेज इज द प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल सो इन द प्राइमरी फॉलिकल देयर इज प्राइमरी उइट दिस इज प्राइमरी ऊसाइट प्राइमरी उइट है अब यहां पर जो ओवन खुद है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ऊपर एक लेयर बनाता है प्राइमरी मेम्ब्रेन बनाता है जिसको बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा दिस लेयर इज जोना पेल्यूसिडा और इसके ऊपर अब जो ग्रैनुलोसा सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स हैं वो अपनी लेयर बनाना शुरू कर देती हैं तो ये बन गई है फॉलिकुलर सेल्स की लेयर अभी जो फॉलिकुलर सेल्स की लेयर है ये बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है और इस तरीके से हमें दिखाई देती है तो यहां पे हम बना लेते हैं इसको दीज आर ग्रेन्यूलोसा सेल्स्यूलोसा सेल्स एक्चुअली प्रोवाइड न्यूट्रिशन ये सेल्स क्या प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और जो जोना पेल्यूसिडा है ये ग्लाइको प्रोटीन लेयर है जो ओवम खुद बनाता है और ये भी ओवम को सराउंड करती है अब ये जो ओवम है यानी कि ये जो प्राइमरी ऊसाइट है या फॉलिकुलर है, अपने नेक्स्ट स्टेप में चलता है और बनता है सेकेंडरी या सेकेंडरी फॉलिकल नॉट ऊसाइट सेकेंडरी फॉलिकल अब सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है सेकेंडरी फॉलिकल में भी अंदर प्रेजेंट होता है अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है अंदर प्रेजेंट है प्राइमरी ऊसाइट प्राइमरी ऊसाइट प्राइमरी ऊसाइट के बाहर प्रेजेंट है जोना पैल्यूसिडा दिस इज जोना पैल्यूसिडा और यहाँ पे जो फॉलिक्यूलर लेयर है वो और ज्यादा बढ़ गई है और बहुत ज्यादा गहरी फॉलिक्यूलर लेयर यहाँ पे बनने लग जाती है और ये जो फॉलिकुलर लेयर है यह जो ग्रेन्युल सेल्स लेयर है ये ग्रेन्युल सेल्स बनाती हैं एक और एडिशनल लेयर इस एडिशनल लेयर को हम दो में डिवाइड करते हैं जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है दैट इज इंटरना और इसी के जो बाहर प्रेजेंट है इसी के जो बाहर प्रेजेंट है दैट इज थी का एक्सटर्ना यानी कि थीका लेयर बन गई ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थीका लेयर बनाने का काम किसने किया ग्रैनुलोसा सेल्स ने ही किया है सो so हियर ग्रैन्यूलोसा सेल्स थी थीका फॉर्मेशन करती हैं अंदर की तरफ इंटरना बाहर की तरफ एक्सटर्ना अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रही हूं जब ये थीका इंटरना और एक्सटर्ना बनती हैं तो ये थी इंटरना और एक्सटर्ना एक स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस या प्रोडक्ट बनाती हैं हम ये कह सकते हैं हार्मोन बनाती है डायरेक्टली अगर हम बात करें तो ये जो बनाती हैं उसको बोला जाता है टेस्टोस्टिरोन यानी कि थीका सेल्स मेल हार्मोन बनाती हैं बट ये जो मेल हार्मोन है ये थीका सेल्स से किसके पास आता है ग्रेनुलोसा सेल्स के पास आता है और ग्रेनुलोसा सेल्स इसको कन्वर्ट कर देती है किसमें एस्ट्रोजन में ग्रेन्युलोसा सेल्स किसमें कन्वर्ट कर देती हैं एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देती हैं। अभी जब ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है तो यहां पे फिर से हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फीडबैक के बारे में एक्जैक्टली exactly बॉडी में हमारी होता क्या है कि हमारी बॉडी में हाइपोथैलमस हाइपोथैलमस जी एन आर एच रिलीज करता है और एंटीरियर के पास भेजता है एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है एफएसएच एफएसएच और एलएच क्या रिलीज करती है एफएसएच और एलएच रिलीज करती है तो यहां पे क्या होता है कि जो ये फॉलिकल्स का फॉर्मेशन है यानी कि जो फॉलिकुलर लेयर बन रही है स्ट्यूमुलेशन के लिए एफ लिए एच का होना जरूरी यानी कि ये स्ट्यूमुलेशन किससे मिलता है फॉलिकुलर लेयर के बनने का एफ से। तो से तो यहां पर डिस्कस मैंने हल्का सा किया है अब यहां पे क्या होता है यहां पे बनता है टर्शरी टर्शरी फॉलिकल और इसके बाद हम लास्ट स्टेज पढ़ेंगे ग्राफियन फॉलिकल अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां से हमें समझनी है कि ये जो टर्शरी फॉलिकल है और इस सेकेंडरी फॉलिकल में डिफरेंस क्या होता है डिफरेंस केवल इतना सा होता है कि अंदर तो होता है ऊसाइट दैट इज़ प्राइमरी टरी फॉलिकल में भी बाहर होती है जोना पैल्यूसिडा ये वाली है जोना पैल्यूसिडा और यहाँ पे जो फॉलिकुलर लेयर्स होती हैं ये जो फॉलिक्युलर लेयर्स होती हैं इनके बीच बीच में फ्लूड फिल्ड कैविटी एंट्रम बनने लग जाती है जगह जगह तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने गैप छोड़ दिया थोड़ा थोड़ा ये एंट्रम यहाँ पे ये यहाँ पे एंट्रम बन गई तो यानी कि हर जगह थोड़ी थोड़ी कैविटी बनने लग जाती है और ये जो कैविटी होती है ये एक जगह नहीं बनती अभी फैली हुई रहती है और बाहर थीका लेयर्स ही थीका इंटरना है थीका एक्सटरना एक्सटर्ना है ये थीका लेयर है ही यहाँ पे ये इंटरना और एक्सटर्नल यहाँ पे प्रेजेंट है ही ये बना दिया मैंने थीका इंटरना और थीका

मैं शुरुआत कर देती हूँ क्योंकि जो पेन यूज है दैट इज मैंने बना दिए इंटरना फिर मैं यहाँ बना रही हूँ एक्सटर्ना दैट इज थी का एक्सटर्ना दिस इज अ थी का एक्सटर्ना नाउ अब यहाँ पे क्या होता है जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं ये ग्रैनुलोसा सेल्स और स्मार्टली वर्क करती हैं क्योंकि ये अपने सिक्रीशन ये अपने लगातार बनाए रखती हैं, का का यानी कि बड़ा हो रहा है और का बड़े होने की वजह से जो है, जो है 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 उसमें फ्लूड भरता जा रहा है। तो तो ये बड़ी हो जाती है। तो यहां पर सेल्स क्या होती है कुछ सेल्स बाहर अरेंज हो जाती है ये अरेंज हो गई सेल्स बाहर और कुछ सेल्स अंदर अरेंज हो जाती हैं ये हुए अंदर अरेंज और बीच में बना लेती हैं ये कैविटी तो यहाँ पे आई राइट सेल्स तो यहाँ पे ये ग्रैनुलोसा सेल्स थी ये सेपरेशन शो कर रही है सेपरेशन शो करने के बाद यहाँ पे बीच में इन्होंने अपनी कैविटी बना ली है दिस कैविटी इज नोन एज एंट्रम ये कैविटी इसमें थोड़ी थोड़ी जगह थी यहां पे बन गई यहां पे बन गई बट यहां पे डिफाइंड कैविटी बन जाती है और अंदर की तरफ भी सेल्स हैं, और अंदर प्रेजेंट है ये रही जोना पैल्यूसिडा दिस जोना पैल्यूसीडा ये है जोना पैल्यूसिडा दोनों में एक साथ मेंशन मैंने कर दिया है और अंदर यहां पे अब क्या होता है कि जो प्राइमरी उइट था इन सभी फॉलिकल्स में वो अपना फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं ऑन द ऑनसट ऑफ प्यूबेटी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी सेकेंडरी उसाइट ये किस में कन्वर्ट हो जाता है ये सेकेंडरी उइट में कन्वर्ट हो जाता है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो ग्राफियन फॉलिकल या मेचोर फॉलिकल में क्या प्रेजेंट होता है सेकेंडरी उइट अब जैसे ही एक बच्चे की प्यूबेरिटी आती है और ओव्यूलेशन होने वाला होता है तो ओवेरी में डिफरेंट हॉर्मोन्स के इफेक्ट के कारण क्या होता है ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है इट गेट रप्चर ये रप्चर हो जाता है और रप्चर होने के साथ साथ ये रिलीज करता है सेकेंडरी यूसाइट को तो जो सेकेंडरी यूसाइट बाहर निकलता है ये बहुत हैप्पीली निकलता है क्योंकि इसके पास दो लेयर बनती हैं अब इसके पास जोना पेल्यूसिडा है और यहाँ पे जो ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर इसके साथ निकलती है मॉडिफाई हो जाती है और इस लेयर को बोला जाता है कोरोना रेडिएटा कोरोना रेडिएटा तो सेकेंडरी ऊसाइट जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा को लेके किससे बाहर निकल जाता है इस ग्रेन्यूलोसा लेयर से बाहर निकल जाता है हैप्पीली निकलता है क्योंकि उसके पास दो एडिशनल लेयर हैं तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरीके से फॉलिकल्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में पास होते हैं और ये सारे स्टेजेस इंपॉर्टेंट है प्राइमॉडल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल का बनना प्राइमरी से सेकेंडरी का बनना सेकेंडरी से टर्शरी का बनना और टर्शरी से मेचोर ग्राफियन फॉलिकल का बनना अब क्या कहलाता है फॉलिकुलोजेनिस कहलाता है सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैंटल साइकिल के बारे में